आज रोजगार के लिए युवा दर दर की ठोकरें खा रहा और बुजुर्गों युवा साथी हैरानी है। खट्टर साहब हर जगह बोलते हैं कि हमने पर्ची खत्म कर दी, हमने ईमानदारी से रोजगार दे दिए। कौन से दे दिए? पहला जुडिशरी का पेपर लीक हुआ तो इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार में हुआ, इस देश के अंदर। अब नायब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ, ढाई ढाई लाख रुपए की रिश्वत में पेपर बिकता हुआ पाया गया इस खट्टर की सरकार में। 750 से 750 भर्तियां जिनमें इंटरव्यू हो लिए, पेपर हो लिए, बच्चों ने हजारों हजारों रुपए के फॉर्म भर दिए, कैंसिल कर दिए गए क्योंकि आधे से ज्यादा के पेपर लीक थे इस खट्टर की सरकार में। एक नौकरी दी है 17,000 ग्रुप डी की और ये सबसे ईमानदार सरकार बन गई। ग्रुप डी में क्या हालात है? बड़े लिखे शिक्षित युवा जिनने आज पीएचडी करी हुई है, एमएससी करी हुई है, एमटेक करा हुआ है, उनको नौकरी क्या मिली? इरिगेशन महकमे में बेलदार, पुलिस महकमे में धोबी नाई, फॉरेस्ट महकमे में माली, पीएन चपड़ासी। आज मुझे ये बताओ कि छोरे छोरियों पर लाखों रुपए शिक्षा के खर्च दिए, डिग्री दो दो बिचारी पढ़ पढ़ के ले आए और इस खट्टर ने के बना दिया उनको, जो आठवीं पास कर सकता था काम उस काम पे लाकर बिठा दिया। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे भाइयों बहनों के भविष्य को अगर बचाना चाहते हो तो फिर आवाज बुलंद करो। आज अगर शिक्षित युवा के हाथ में उसके सक्षम नौकरी ढूंढना चाहते हो तो आवाज बुलंद करो। और यह गारंटी मैं देता हूं, जिस दिन आप खड़े होगे, जिस दिन आप अपनी आवाज बुलंद करने लगे, इस प्रदेश के अंदर एक तरफा राज बनाने का काम करोगे। और मैं ये एक वादा, जैसे चौधरी देवीलाल ने कहा था बूढ़े मरना चाहिए 100 रुपए पेंशन बांधूंगा, ये वादा करके जाता हूं, जिस दिन प्रदेश में आपका राज बन गया चाहे सरकारी नौकरियों का बैकलॉग हो उनको भरेंगे, जितनी प्राइवेट फैक्ट्री हरियाणा प्रदेश के अंदर है जो आज हमारी बिजली हमारा पानी हमारी धरती इस्तेमाल कर रही है, उन हर कंपनी के अंदर 75% रोजगार का अधिकार हमारे बहन और भाइयों को देने का काम करें। बुजुर्गों युवा साथियों, इन युवाओं के भविष्य के लिए एक हो जाओ। आज हम बात करें कि कर्मचारी बेचारे हमारे सारे तंग, लोग कहते हैं कर्मचारी पीड़ित है, कर्मचारियों से बड़ा दर्द तो किसी के पास नहीं। आज उनको यह भरोसा नहीं दो 2006 और उसके बाद लगे कि कोई पेंशन का भी बुढ़ापे में जुगाड़ हो। सारे कर्मचारी मेरे पास आए और कहने लगे हमारी समस्या का समाधान एक है कि प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करा जाए। और ये वादा मैं करता हूं कि जननायक जनता पार्टी की सरकार बनने पर नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा पूरी तौर पर लागू करने का काम आपकी पार्टी। और जहां कर्ज माफी की बात है, कई बुजुर्ग गालिये कहने लगे छोरे तू तो किसान किसान के कर्जे की बात करता है। मैंने कहा ना था डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल के सपने को पूरा करने की बात कही थी और 9 दिसंबर को जब पार्टी ने अपना निर्माण किया था उस दिन ये वादा किया था कि प्रदेश में राज बनने पर हरियाणा प्रदेश के तमाम कमेरे वर्ग के लोग, चाहे वो नाई हो, चाहे वो दूधिया हो, चाहे परचून की दुकान चलाने वाला हो, आज सब पे खुशी पे 30,000-50,000 का कर्जा है। प्रदेश में सरकार बनते ही पहली कलम से जितना भी सरकारी तौर पर कर्जा है किसान का पूरी तौर पर, कमेरे का पूरी तौर पर माफ करने का काम आपकी पार्टी। मेरे बुजुर्ग युवा साथी, और राज न्यू नहीं बनेगा, लोकसभा में ढिलाई बरती नहीं बरती। आपका गांव तो चौधरी देवीलाल जी का बड़ा गांव था, बड़ा गांव, मगर फिर भी ढिलाई बरत गए। मगर अब एक हो जाओ, ये विधानसभा चुनाव में कोई इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं। हम तो आज भी कहते हैं, सुनने में आया है कि बॉर्डर पे 25,000 जवान भेज दिए। मेरे ख्याल से यहां खड़ा खड़ा एक एक साथी उन जवानों के साथ खड़ा। और हम तो सरकार से मांग करते हैं, ये गिद्दर धमकी बारी बारी करने से अच्छा एक बारी इलाज बांध दो,
सही बात है नहीं है? वो 25 के 50,000 और अंबर के भी बुला लो, हम भी तैयार है। पर बारी बारी को 40 जवान शहीद हो गए, कोई 15 जवान शहीद हो गए, आज हमारे जवानों की जान भी खतरे में। एक बारी एक जैसे गांव में कहते हैं मुसल का खाता, एक बार हिसाब कर दो, एक बार हिसाब कर दो कि बारी बारी कश्मीर की इस टेंशन को भी इस प्रदेश से देश से पूरी तौर पर हम समाप्त सुनने का काम करें। पर मेरी विनती आपसे है उसी तरीके से एक बारी एक हो जाओ और एक होकर इस प्रदेश की लड़ाई को लड़ लो। और बुजुर्गों युवा साथियों, जिस दिन आप एक होगे, ये सोचो दुष्यंत अकेला हंड हंड के राज बना देगा। 7,000 गांव है, 70 दिन है, 100 गांव दिन के नहीं होते। अगर मैं करूंगा कोशिश भी तो 20-25-30 गांव ज्यादा से ज्यादा हो। मगर आप सब मैदान में उतर गए, आप सब ने मैदान के अंदर काम करना शुरू कर दिया, तो यह विश्वास रखना कि प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बहुमत से अगर कोई विधानसभा की सीट हम जीतने का काम करेंगे तो आपकी नरवाना की विधानसभा जीतने का काम। मगर उसके लिए कमर कसनी पड़ेगी, ढिलाई बरते काम नहीं चलेगा। कस लोगे कमर न्यू ढीला ढीला ना बोले, मारी ताई तो एक भी नहीं बोली। 50% वोट थारे है, 50%। हम तो यू चौक पे भाषण दे सकते हैं, डोर टू डोर कर सकते हैं, चूल्हे पर रोटियों पर वोट कौन मांग के आ सकती है, हम मांग के आ सकते। इसलिए मन जाओ जुट जाओ, 70 दिन में ये खट्टर बारी बारी कह रहे हैं ना 75 पार, ये 4 से 75 आया था। मंडगे अगर 70 दिन सारे, इसने वापिस 4 पे लाने का वादा मेरा है, वापिस 4 पे लाके छोड़ दो। मैं तो यही विनती करने आया था। हाँ, एक चीज और मियां सिंह जी ने याद करा दी, ये खट्टर साहब बड़े किसान के हिमायती हैं। और 3-4 दिन हो गए मैं जीरी बेल्ट में ही घूम रहा हूं और सारे के सारे किसान ये कहते हैं जी फसल, अपनी फसल अपना ब्योरा ने फांसी टांग दी, फांसी के टांग दी। ये तो कानून ऐसा ले आए जो किसान की जड़ खोदने वाला काम कर रहा है। मैंने एक चीज बताओ, आज जीरी का ब्योरा आप दे रहे हो और सरकार कहती है प्रत्येक एकड़ बेरानी 17 है, कोई 23 बोलता है, कोई 15 बोलता है। आज 30-30 क्विंटल जीरी एवरेज निकलती है किसान के खेत से, और सरकार अगर 20 भी खरीदेगी तो 10 को कोई किसान खाएगा ना। जीरी बिक सकती है, सेलर आले आधे भाव में खरीद के लेके जाएंगे, मरेगा कौन किसान। अब तो एक नई चीज कर दी, अगर ट्यूबवेल का कनेक्शन भी नया लो तो मोटर जो है वो भी एक गुजरात की कंपनी है, उसकी लेनी पड़ती है। बुजुर्ग युवा साथियों, आप खुद सोचो। सर छोटू राम जी एक चीज कहा करते थे, बोले किसान दो चीज पहचान, एक बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन पहचान ले। ना तो दुश्मन पहचान रहे ना बोल रहे। आज तो ऐसे बैठे जैसे बिल्ली के आगे कबूतर बैठ जाता है, देखते मैंने खावेगी इसलिए आंख बंद कर ली। तो अब मंड जा, अब तो मौका है 70 दिन का, अब तो पहचान ले 70 दिन बाकी है। और एक चीज और, मेरी कोई ताई नहीं बोली खड़ी होके, एक मेरी ताई और परेशान है खट्टर की वजह से, गांव गांव ठेके खोल दिए। ओ परेशान कौन ही हो, पेंशन तो मेरे ख्याल से 2 रात में गायब हो जाए। अब एक चीज बोल देता हूं, अगर इनने मेरा एक ही निवेदन है सबसे कि ये जीरी का जो मामला है या जो मोटर लगाने की बात है, जो दबाव किसान पे, खड़े हो जाओ, एक हो जाओ और एक होकर मजबूती से लड़ लो। देखाता हूं इस खट्टर ने भागता हुआ इस प्रदेश से, पर जब भी मुमकिन है जब एक होकर लड़ोगे, आप सब आए, आप सब ने गांव में आने पर मान सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।